फ्रेंड्स, नानिक कौर के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही फेमस पुडिंग, ब्रेड एंड बटर पुडिंग। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। 3 कप्स मिल्क, 4 टेबलस्पून शुगर मीडियम, 2 eggs, 4 slices ब्रेड कोर्सली ब्रोकन। देखिए मैंने ऐसे इसको ना ब्रेक कर लिया, सी लाइक दैट आई हैव डन। And about 20 almonds, again coarsely ground, and some butter to dot. अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम अवन को 200 डिग्रीज के ऊपर ऑन कर देते हैं। अब हमने 200 डिग्रीज के ऊपर अवन को ऑन कर दिया है। अब गैस को ऑन करते हैं और इसके ऊपर मिल्क को रखते हैं और इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। अब ये ल्यूकवार्म हो गया है, गैस बंद कर देते हैं और दूध को उठाकर यहां पे रख लेते हैं। अब इसमें हम शुगर डाल देते हैं। अब हम इसको शुगर डिसॉल्व होने तक ब्लेंड करेंगे। अब शुगर डिसॉल्व हो गई है, अब इसमें हम एग्स डाल देते हैं। अब हमने इसमें एग्स डाल दिए हैं और फिर से ब्लेंड करेंगे। अब हम अपनी डिश को ग्रीस करेंगे। अब हमने अपनी डिश को ग्रीस कर लिया है और इसमें हम अपनी क्रम्बल्ड ब्रेड डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम मिल्क डाल देंगे। इसको हम प्रेस करके थोड़ा थोड़ा नीचे कर देंगे। अब इसके ऊपर हम आमंड्स कर देंगे स्प्रिंकल। अब इसको हम डॉट करेंगे बटर के साथ। अब इसको बेक करने के लिए हम अवन में रखेंगे। अब हमने पुडिंग को बेक होना रख दिया है अवन में, और मेरे अवन में ये होएगी बेक 2 आवर्स में। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाती है तो बेक हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, हर अवन में थोड़ा थोड़ा टाइम डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता, 5 to 10 मिनट्स होता है। तो ये आप देख लीजिएगा अपने अवन के अकॉर्डिंगली, और जब ये ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इट इज डन। अब 2 आवर्स हो गए हैं फ्रेंड्स, और पुडिंग को निकालते हैं अवन में से। अब हमने ब्रेड एंड बटर पुडिंग अवन में से निकाल ली है। फ्रेंड्स, जस्ट सी, इट इज सो ब्यूटिफुली गोल्डन ब्राउन। लीजिए, ब्रेड एंड बटर पुडिंग तैयार है, गरम गरम है, रियली हॉट। और इसको आप गरम गरम ही सर्व कीजिए।